नासा ने मान लिया है कि सनातन ही सत्य है। ना जाने कितने ही महान वैज्ञानिक सनातन धर्म को एक्नॉलेज करके इसे अपनाते हैं। उसी में से एक है ये व्यक्तित्व, जिन्होंने ना सिर्फ सभी डिस्कवरीज का क्रेडिट सनातन धर्म को दिया बल्कि इसे दिल से अपनाया भी। साल 1974 में अमेरिका के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन, रिसर्चर और नासा साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड एल थॉम्सन ने भगवद गीता से इंस्पायर होकर सनातन धर्म को अपनाया। उस समय ये नासा के लिए रिमोट सैटेलाइट सेंसिंग पर रिसर्च कर रहे थे और साथ ही में प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर भी रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें अमेरिका के एक बुक स्टोर से भगवद गीता मिली तो मानो इनकी जिंदगी बदल गई। गीता में इन्हें सभी उलझे सवालों के जवाब मिले, इसीलिए इन्होंने सब कुछ छोड़कर इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया और अपना नाम सतपुत दास रख लिया। इसके बाद इन्होंने सनातन के अन्य धर्म ग्रंथों की स्टडी की और बहुत सी किताबें भी पब्लिश की, जैसे वैदिक कॉस्मोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, द कॉस्मोलॉजी ऑफ भगवत पुराण। इनमें इन्होंने सनातन में छिपी हिडन साइंस को एक्सप्लेन किया।